हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सेवन स्टैंडर्ड का पोएम डिस्कस करेंगे, हिंदी। हम चलते सीना तान के, लेसन नंबर सेवन, हम चलते सीना तान के। सो स्टूडेंट, दिस इज़ अ पोएम एंड दिस पोएम इज़ ऑलरेडी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। यू ऑल कैन गो टू अवर प्लेलिस्ट एंड चेक देम। यू विल गेट दिस वीडियो इन ईजी एक्सप्लेनेशन एंड ऑल्सो इन ईजी मीनिंग्स। सो येस डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड to our notes. This is our notes and without wasting time we go start discussing the notes. So first, Kriti ka padyansh padhkar suchna ke anusar kritiya kijiye. Pehla, sanjal pon kijiye. Desh ke sipahi yahan se aaye hain. Van marusthal, sagar tat, maidan, parvat. So desh ke sipahi kahan se aaye hain? Van marusthal, sagar tat, maidan, parvat. सो स्टूडेंट्स, यर इज द पैसेज गिवन पद्यांश, यानी कि स्टैंजा है धर्म अलग से लेकर तान के, ऑन पेज नंबर 48। यू विल गेट देम, यानी पेज नंबर 48 पर है और धर्म अलग से स्टार्ट हुआ है, कहाँ पर एंड हुआ है? तान के। एंड स्टूडेंट्स, इतने ही स्टैंजा में से हमें इसका क्वेश्चन आंसर पूरा मिल जाएगा। सो जितना भी क्वेश्चन है उसका आंसर जो है अब सॉल्व करेंगे, एक्टिविटी वो हमें पूरे स्टैंजा से मिल जाएंगी। सो देश के सिपाही यहाँ से आए हैं। देश के सिपाही कहाँ से आए हैं? वन मरुस्थल, सागर तट, मैदान, पर्वत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड, चौखट में उत्तर लिखो। सिपाहियों की अलग अलग बातें, सिपाहियों की अलग अलग बातें, जाति, धर्म, जाति, वर्ण, भाषा। क्या है उनकी अलग बात? धर्म, जाति, वर्ण, भाषा। नेक्स्ट थर्ड, पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द क्या है स्टूडेंट्स? पर्यायवाची शब्द इज अ सिमिलर वर्ड, यानी समानार्थी शब्द जिसे कहते हैं। सो सिमिलर वर्ड्स सिमिलर होते हैं, यानी सेम होते हैं। जैसे पहला पर्वत, गिरी, वर्दी, पोशाक, यानी वर्दी का क्या है? पोशाक। पर्वत, गिरी, वर्दी, पोशाक, ऐसे उनके कहीं सारे अनेक अनेक वर्ड होते हैं, यानी एक चीज का कहीं सारे अनेक अनेक वर्ड है, उसे पर्यायवाची शब्द में आता है वो। तो जैसा पर्वत क्या है? माउंटेन, तो उसे गिरी भी कहते हैं, और कहीं सारे अलग अलग वर्ड हिंदी में भी है। वर्दी क्या है? यूनिफॉर्म, यानी पोशाक। वचन बदलिए, यानी एक से अनेक करना है। पहला बेटे, बेटा, जाति, जातिया, यानी एक है तो ज्यादा है तो उसमें एक करना है, अगर यहाँ पर कम है तो उसे अनेक करना है। फोर्थ, परिचित में आए संज्ञा शब्द ढूंढकर लिखिए। संज्ञा यानी क्या है? नाउन्स देखने। तो उत्तर परिचित में कौन से नाउन्स आए हैं? धर्म, पर्वत, सागर, हिंदुस्तान, ये चार हमें नाउन्स मिला है परिचित में से, यानी कि पैसेज में से। तो क्या क्या है? धर्म है, पर्वत, सागर, हिंदुस्तान। नाम अगर होता तो हम नाम भी लिख सकते हैं वहां पर। कृति ख पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। सो स्टूडेंट्स, अभी हमारा न्यू पैसेज स्टार्ट हुआ है, यानी कि न्यू पद्यांश स्टार्ट हुआ है। जो फर्स्ट पद्यांश था अब वो खत्म हुआ है। सो यहाँ पर क्या है? चौकट पूर्ण कीजिए। पद्यांश कहाँ से स्टार्ट हुआ है? सेकंड हमारा स्टैंडा जो वीरत्व से लेकर तान के, पेज नंबर 49 पर है। अब पहला हमारा पेज नंबर 48 पर था, अब 49 पर आया है। तो पहला क्या है? चौकट पूर्ण कीजिए। सैनिकों की वीर गाथाएं गाएंगे, गांव, घर, नगर, यानी सैनिकों की जो वीर गाथा है कौन गाएगा? गांव वाले, घर और नगर वाले। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड, उत्तर लिखिए। युद्ध में सैनिक दिखलाएंगे, युद्ध में सैनिक दिखलाएंगे क्या? विवेक, वीरत्व। युद्ध में सैनिक क्या दिखाने वाले? विवेक और वीरत्व। सेकंड, गान के बोल गूंजेंगे अनगिनत कंठों में, गान के बोल कैसे गूंजेंगे? अनगिनत कंठों में। तो ये हमें जो भी हमें आंसर्स मिल रहा है वो पूरे स्टैंजास में मिल रहा है, यानी जो पैसेज हमें दिया है मार्क करके हमें उसको अच्छे से पढ़कर समझकर लिखना है। अगर स्टूडेंट्स आप हमारी वीडियो जाकर देखेंगे तो आपको इस पोएम का पूरा इजीली एक्सप्लेनेशन मालूम पड़ जाएगा और उसका मीनिंग्स आल्सो, तो आप इजीली एग्जाम पेपर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा, पहला वीरत्व शब्द त व प्रत्यय लगाकर बना है। त प्रत्यय लगाकर अन्य शब्द बनाइए,
यानी जो ये त वर्ड है वो प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय क्या है जो पहला लगता है, सो ये त वो कहाँ है एंड में यानी लास्ट में, तो हमें उसके पहले कोई एक ऐसा वर्ड बनाना है जिससे वो एक वर्ड प्रॉपर बने और मीनिंगफुल रहे। तो कृतित्व और व्यक्तित्व यहाँ पे दो दो वर्ड बने हैं त व वाले, यानी कृतित्व और व्यक्तित्व। हमें ऐसे कई सारे अलग वर्ड भी देंगे तो हमें उसका प्रत्यय बनाना है या तो उसका उपसर्ग लगाना है। सेकंड, पद्यांश में आई क्रियाएं ढूंढकर लिखिए, क्रियाएं करना है। उत्तर, दिखलाएंगे, गाएंगे, गूंजेंगे, चलते। क्रिया क्या है यानी कि वर्ब बताना है हमें उसमें से, तो दिखलाएंगे, गाएंगे, गूंजेंगे, चलते, ये हमें क्रियाएं आई है पद्यांश में यानी कि स्टैंजा में। फोर्थ वाला, पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द हमने पहले ही पढ़ चुका है, पर्यायवाची शब्द क्या है, सिमिलर वर्ड्स, और हिंदी में भी यानी कि हिंदी में भी इसका दो वर्ड है, पर्यायवाची और समानार्थी। इंग्लिश में सिमिलर वर्ड्स कहते हैं। व्हाट आर सिमिलर वर्ड्स? सिमिलर वर्ड्स आर सेम टू ईच अदर। फर्स्ट, समर, युद्ध, वीरत्व, शौर्य। वीरत्व क्या है? शौर्य। समर का है युद्ध। सेकेंड, लिंग पहचानिए। लिंग पहचानना है हमें, पहला गांव, पुल्लिंग, गाथा, स्त्रीलिंग। तो ये लिंग है यानी ये हमें ग्रामर दिया है, यहाँ पे शॉर्टली ग्रामर है थोड़ा। सेकेंड, वचन बदलिए। वचन बदलना है यानी एक से अनेक करना है या तो अनेक से एक करना है। बत्तियां, बत्ती, यहाँ पर कहीं सारे बत्तियां थी, अब यहाँ पर एक बत्ती आ गई, बत्तियां, बत्ती। दुकान, दुकाने, यहाँ पर एक दुकान थी, यहाँ पर कहीं सारे दुकाने, तो दुकाने, दुकान, दुकाने। हम हमारा एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं, जैसे लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां। सेकेंड, यहाँ पर क्या है, ग्रामर है। कोई हड्डी चबा रहा था, रेखांकित शब्दों में शब्द भेद लिखिए, यानी जो अंडरलाइन वर्ड है उसमें हमें उसका भेद जानना है, यानी उस शब्द भेद उसका क्या है। तो कोई है और रहा था, तो उत्तर क्या है, कोई का है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी हमें प्रॉपरली यहाँ पे बताया नहीं, सिर्फ भेद लिखने, तो अनिश्चयवाचक है। रहा था क्रिया, क्रिया क्यों है यानी वर्ब, वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड। उधर रहा था यानी काम चालू है, हो रहा है, तो क्रिया। कोई है यहाँ पर अनिश्चय यानी हमें पता नहीं है, फिक्स नहीं है कोई भी चीज, तो उसमें कोई, कहाँ, कैसे, वैसा वो जाते हैं, तो उसे अनिश्चय। और रहा था तो क्रिया आई है। फिफ्थ वाला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखे यानी आंसर इन वन सेंटेंस। पहला, हमें किसका कर चुकाना है और क्यों, यानी हमें किसका कर चुकाना है और क्यों। उत्तर, हमें भारत माता के एहसान का कर चुकाना है क्योंकि हम इस पवित्र मिट्टी में खेल कर बड़े हुए हैं। यहाँ पे किसका कर्ज चुकाना है, भारत माता के एहसान का कर्ज चुकाना है क्योंकि हम इस पवित्र यानी हम इस प्योर मिट्टी में यानी इस प्योर सॉइल में हम खेल कर बड़े हुए हैं। सेकंड, भारत माता की पूजा में हमने किसके फूल चढ़ाए हैं यानी किसको फूल भारत माता के उसमें चढ़ाए हैं। उत्तर, भारत माता की पूजा में हमने श्रम के फूल चढ़ाए हैं, श्रम के फूल चढ़ाए यानी कि मेहनत के फूल चढ़ाए हैं। थर्ड, युद्ध में सैनिक क्या करेंगे। उत्तर, युद्ध में सैनिक अपनी विवेक और वीरता दिखलाएंगे यानी उनकी क्या है, ब्रेवरी दिखाएंगे। सेकंड, निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिया है और उन ऑप्शंस में से हमें लिखना है। तो ऑप्शन क्या है, रजकण, भारत माता, हिंदुस्तान, अग्नित, सदियों। पहला क्या है, फौजी वर्दी में हम सबसे पहले डैश के, फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के। सेकंड, डैश के बेटे हम चलते सीना तान के, कर्ज चुकाने हैं भारत माता, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, कर्ज चुकाना है। थर्ड, हमको उन डैश के एहसान के, हमको उन रचकन के एहसान के। फोर्थ, जिसकी पूजा में डैश से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं। फिफ्थ, जिसकी रक्षा में पुरखों ने डैश शीश कटाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अग्नित
शीश कटाए हे। तो ये था फिल इन द ब्लैंक्स भी हमें इजीली आ जाएगा यानी सॉल्व करने, इसीलिए क्योंकि हमने पोएम को पढ़ा है और पोएम को समझा है और उसी स्टैंजा में से हमें कंप्लीट करना है पूरा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये हमें आया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो, यानी यहाँ पे आंसर्स है। पहला, इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखो, यानी जो सेंट्रल आइडिया होता है पोयम का वो हमें यहाँ पे बताना है। उत्तर, हम भारत माता के बेटे सीना तान कर चलते हैं, हम अलग अलग धर्म जाति वर्ण भाषा प्रांत से आए हैं। यानी भारत माता के बेटे कैसे चलते हैं, सीना तान कर चलते, हम अलग अलग, हम कहाँ से, हम अलग अलग धर्म के हैं, जाति के हैं, वर्ण भाषा यानी हमारे रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, भाषाएं अलग है और प्रांत भी अलग है, और हम प्रांत से आए हैं यानी अलग जगह से भी आए हैं, हम जिस मिट्टी में खेल कूद कर खा कर बड़े हुए हैं, जिसकी रक्षा में हमारे अग्नित पुरखों ने अपने शीश कटाए हैं, हम उस भारत माता के ध्वज को गिरने नहीं देंगे, अपना बलिदान दे देंगे परंतु उस पर आँच नहीं आने देंगे। यानी कि भारत माता के बच्चे क्या बता रहे हैं यहाँ पे, कि वो वहाँ पर खेल कूद कर बड़े हुए हैं उस मिट्टी में, और जिसकी रक्षा में हमारे अग्नित पुरखों ने, यानी वो हमारी रक्षा करते थे, सैनिक बॉर्डर पर जाकर हमारी रक्षा करते थे, वो हमारे लिए क्या, अग्नित पुरखों ने शीश कटाए हैं यानी कि अपने बलिदान दे दिए यानी कुर्बानी दे दिए, हम उस भारत माता के ध्वज को यानी भारत का जो ध्वज यानी फ्लैग है उसको गिरने नहीं देंगे, यानी कि उसे कभी भारत को झुकने नहीं देंगे, अपना बलिदान दे देंगे यानी अपने आप को कुर्बान कर देंगे परंतु उस पर आँच नहीं आने देंगे, क्या है, भारत पर आँच आने नहीं देंगे, यानी उस झंडे पर ना ही भारत पर आँच नहीं आने देंगे। तो ये था कविता का केंद्रीय भाव। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर नोट डिस्कशन, सेकेंड, यदि तुम सैनिक होते तो विषय पर एक अनुचित लिखिए, अनुचित लेखन, अनुचित लेखन लिखना यानी अगर हम सैनिक होते यानी सोल्जर होते तो क्या है, विषय पर, विषय यानी इस टॉपिक पर हमें लिखना है। उत्तर, यदि मैं सैनिक होता तो मैं अपने देश के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता, मैं अपने देश के अस्तित्व को कभी मिटने नहीं देता। आजकल पड़ोसी देश से आतंकवाद की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अनायास ही सैनिक मौत के घाट पर उतारे जा रहे हैं। ऐसे में यदि मैं सैनिक होता तो वही करता जो हमारे वीर सैनिक कर रहे हैं, अपना सिर कटा देते हैं किंतु देश की आन बान शान को बनाए रखते हैं, आतंकवादियों के मुसंबो मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देते हैं। मैं भी इसी प्रकार देश की सेवा करता, देश के सैनिकों का मनोबल बनाए रखने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवाद का समूल नाश करने का प्रयास करता। यानी यहाँ पर क्या है, अगर यदि वो, इफ आई वर अ सोल्जर इंग्लिश में कहेंगे और हिंदी में यदि मैं सैनिक होता, अगर वो सैनिक यानी सोल्जर होता तो वो क्या करता, अपनी देश की गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करता यानी उसके देश को प्रोटेक्ट करता, अपने देश की अस्तित्व को कभी मिटने नहीं देता, उसका देश का जो अस्तित्व उसको कभी मिटने नहीं देता। आजकल पड़ोसी यानी जो नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ के जो आतंकवाद यानी जो एनिमीज है वो घटनाएं कर रही है दिन प्रतिदिन यानी फाइट कर रही है हमारे साथ, यानी कुछ ना कुछ नेबरिंग कंट्रीज के साथ होते जा रहा है, तो वो दिन प्रतिदिन यानी अभी के टाइम पे बढ़ते जा रही है दिन पर दिन। अनायास ही सैनिक मौत के घाट पर उतारे जा रहे हैं, और जो सैनिक है यानी बिना कुछ उसके मौत के घाट में उतारे जा रहे हैं। ऐसे में यदि सैनिक होता, अगर वो सैनिक होता तो वही करता जो हमारे वीर सैनिक यानी बड़े बड़े ब्रेव सैनिकों ने किया है, अपना सिर कटा देते यानी कि बलिदान दे देते किंतु देश की आन बान शान को बनाए रखते, और जो वीर सैनिकों ने क्या किया है, अपने आप को कुर्बान कर दिया है, और जो उनकी देश की यानी आन बान शान को बनाए रखे, आतंकवादियों के मंसूबे को कभी कामयाब नहीं देते, जो नेबरिंग कंट्रीज जो एनिमीज है उनके मंसूबे को यानी उनका जो पूरा टारगेट है उसको कभी कामयाब होने नहीं देते यानी कभी सक्सेसफुल होने नहीं देते, यानी क्योंकि वो आँच नहीं आने देते सोल्जर्स लोग। मैं भी इसी प्रकार देश की सेवा करता, और वो भी ऐसी ही सोल्जर्स की तरह वो देश की प्रोटेक्शन करना, रखवाली करना चाहते हैं। देश के सैनिकों का मनोबल बनाए रखने के
लिए सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवाद का समूल नाश करने का प्रयास करता। और वो क्या कोशिश करता है कि देश के सर्जिकल स्ट्राइक है उन आतंकवाद का समूल नाश करता, और वो आतंकवाद को क्या कर देता है, एनिमीज को वो बिल्कुल खत्म कर देता है। तो ये था विषय कि यदि तुम सैनिक होते तो। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डन विद दिस नोट्स डिस्कशन ऑफ पोएम। हम चलते सीना तान के। सो स्टूडेंट्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक शेयर एंड कॉमेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड विथ योर क्लासमेट्स एंड योर स्टूडेंट्स। डोंट फर्गेट टू चेक अवर प्ले लिस्ट। थैंक यू।